आई स्टडीड एल्ब्रोस चैनल फॉर 100+ आवर्स एंड जिन लोग को भी लग रहा है कि ये वाली वीडियो एक एनालिसिस वीडियो है तो वो लोग गलत है क्योंकि ये एक एक्सपोज वीडियो है। हेलो एवरीवन, इट्स नॉट सो चैटी इन हियर एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जसवीर तागर के बारे में और एज ही इज मोर कॉमनली नोन एज एल्ग्रो। मैं इस बंदे को तब से देख रहा हूँ जब ये अपने क्रिटिक नाम के चैनल पे वीडियोस अपलोड किया करता था, एनालिसिस वीडियोस, एंड मेरे को लगता था कि ये बंदा थोड़ा ठीक है तो मैं इसके वीडियोस रेगुलरली देखा करता था। फिर इसने एक दूसरा चैनल बनाया एल्ग्रो करके एंड वहाँ पे शुरुआत की वीडियोस इसकी ठीक थी लेकिन फिर वहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी ड्रॉप हो गया एंड इसके एक वीडियो ने मेरे को बहुत गंदी तरह से ट्रिगर किया है। आई डोंट लाइक गिविंग डिस्क्लेमर्स बट मैं ये चीज़ पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे इस बंदे से कोई हिट नहीं है लेकिन इसकी कुछ हरकतों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाया है तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाली वीडियो होने वाली है। इससे पहले कि हम लोग इस बंदे के बारे में बात करना चालू करें, हम लोग को जानना होगा कि ये एल्ग्रो पे किस टाइप की वीडियोस अपलोड करता है। तो ये बंदा बेसिकली वहाँ पे तीन तरह की वीडियोस अपलोड करता है, टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स। ये तीनों चीज़ें हम लोग को याद रखनी है क्योंकि अब हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। एल्ग्रो ने अपने चैनल पे काफ़ी सारी टिप्स वीडियोस अपलोड करके रखे हुई है स्पेसिफिकली न्यूअर क्रिएटर्स को टारगेट करने के लिए एंड मुझे पता है उनमें से काफ़ी सारी वीडियोस अच्छी है बट वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट दैट, वी आर हियर टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद देम। एंड मुझे पता है कि तुम लोग का सवाल होगा इसकी टिप्स वीडियोज में प्रॉब्लम क्या है। वेल, द आंसर फॉर दैट इज इस बंदे ने इतनी सारी टिप्स वीडियोज बना के रखी हुई है कि एक बंदा ओवरवेल्म हो जाएगा। सपोज करो भाई तुम एक नए क्रिएटर हो और तुमने इसका चैनल देखा टिप्स वीडियोज के लिए कि तुम्हें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है अपना चैनल ग्रो करने के लिए, ठीक है। एंड तुम्हें एक स्ट्रैटेजी पता चलती है 2:1 के रेशियो में वीडियोस अपलोड करो, ठीक है, तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी और फिर अचानक से तुम्हें एक और इसकी वीडियो सजेस्ट हो जाएगी, ठीक है, उस पर दूसरी स्ट्रैटेजी बताएगा, फिर एक तीसरी वीडियो सजेस्ट होगी उसमें अलग स्ट्रैटेजी होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर बंदा कन्फ्यूज हो जाएगा कि उसे कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, फिर उसका हालत भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। यार यहाँ तो वीडियो से नहीं खत्म हो रही, हर वीडियो के एंड पे आ जाता है कि इस वीडियो पे आ जाओ, मेरे तो वैसे ही मसले हल नहीं होते। ये बंदा अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाने के लिए दूसरे बड़े क्रिएटर्स के चैनल को चेकआउट करता है और देखता है उनके लिए क्या काम करते हैं और कभी कभार अपने एक्सपीरियंस से बात करता है। मेरे भाई, जो दूसरों के लिए काम करके ज़रूरी थोड़ना है कि मेरे लिए भी काम कर जाएगा, कोई ऑप्टिमल तरीका तो होगा। अब मुझे पता है तुम लोग का इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होगा, हम लोग भाई बहुत स्मार्ट लोग हैं, हम लोग फिगर आउट कर लेंगे कि हमारे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी, भाई हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है भाई, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। मुझे एक एपिसोड याद है जब एल्ग्रो ने अपनी पहली वीडियो में बोला था कि तुम्हें अपनी वीडियोस अपने घर वालों रिलेटिव्स के साथ शेयर नहीं करना है, तुम्हें इंटरनेट पे रैंडम स्ट्रेंजर्स के पास जाके उन्हें शेयर करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो भी एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ। एंड उसका नतीजा ये हुआ एंड यू ऑल विल नॉट बिलीव कि उस वीडियो के आने के अगले ही दिन से मेरे DMs फिल होने लग गए एंड लोग सेम टेम्पलेट यूज करके अपने चैनल को प्रमोट करने लग गए। नाउ क्रिटिक का आइडिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, नो डाउट, बट उसने चीज डिटेल में नहीं बताई एंड इसलिए इसकी ऑडियंस गलत लोगों को टारगेट करने लगी। अब अगर तुम ऑलरेडी कंटेंट स्पेस में हो तो तुम भी डेफिनेटली अगर इस टाइप के प्रमोशनल DMs देखोगे तो तुम शायद एक्सेप्ट भी ना करो। सो दिस इज अ मेजर थिंग दैट क्रिटिक और एल्ग्रो नीड्स टू कीप इन माइंड दैट विद बिग नंबर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। आई नो हर कोई इतना स्टूपिड होता नहीं है लेकिन एल्ग्रो के केस में भाई उसके 90% ऑडियंस ही डम किड्स है। I would like to start this segment with the quote, practice what you preach. एल्ग्रो ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल के रखी हुई है जिसके थंबनेल में लिखा हुआ है USA का चैनल बनाओ, पैसा ही पैसा कमाओगे। ग्रो विद एल्ग्रो की लाइफ टाइम व्यूज लगभग 1.7 मिलियन है एंड इस पर पैसे बने हैं केवल 19,200 रुपए बिकॉज इसकी ऑडियंस इंडिया से थी, बट अगर इस चैनल पर USA की ऑडियंस होती 1.7 मिलियन व्यूज पर मैं बड़े ही आराम से 20,000 नहीं 40,000 भी नहीं बल्कि 1,000,000 रुपए से भी ज्यादा अर्न करता। तो अगर तुम USA की ऑडियंस बना पाते हो, बात लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होगी। अब ये चीज सुनने में बहुत आकर्षक लगती है लेकिन जब बारी आती है एक्सिक्यूशन की ना तो भैया इस बंदे के लिटरल एल लग गए भाई। इसका एक चैनल है डक कंट्राइवर करके जहाँ पे ये प्योरली इंग्लिश में वीडियोस बनाता है और इसने एक साल से कोई वीडियोस अपलोड नहीं किए और जो वीडियोस अपलोड भी करके रखी हुई है ना दो को उसमें किसी फॉरेन यूट्यूबर के बारे में बात कर रहा है जिसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या हो गया जसवीर तागर भाई, आपको अब USA के चैनल से भाई पैसे कमाने का मन नहीं करता है? यही नहीं भाई, इसने एक दूसरा चैनल भी बना रखा हुआ है एल्ग्रो जिसके एंड में भाई ई आता है और इसने बोला था कि ये इसमें इंग्लिश में वीडियोस बनाएगा भाई। अब वो वीडियोस कहाँ गई भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं है लेकिन
जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है ना, मुझे नहीं लगता इसका मन कर रहा होगा इंग्लिश में वीडियोस बनाने का, ताकि अमेरिकन लोगों को टारगेट कर सके। इस बंदे के पास एक टंकी है जिस पे लिखा हुआ है क्रिएटिव आइडियाज, लेकिन भाई जब तुम उसका नल चलाते हो ना, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज निकलता है, यूट्यूब पे पैसे कैसे कमाएं। अब इससे पहले मैं इसके पैसों के लालच के बारे में बात करूं भाई, हम लोग को बात करना होगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, इट्स स्पॉन्सर टाइम बेबी। इस बंदे ने बहुत सारी ट्यूटोरियल वीडियोस बना के रखी हुई है, जो कि भाई ट्यूटोरियल वीडियो कम, एक ओवरस्ट्रेच प्रमोशन वीडियो ज्यादा लगती है। अगर तेरी वीडियो में स्पॉन्सर है भाई, तो भाई वो 30 से 40 सेकंड तक उसको दिखना चाहिए भाई, तुम तो उसको ओवरस्ट्रेच करके भाई पूरी वीडियो बना दो उसको तुम। इस बंदे ने 3 बार फिल्मोरा 11 के प्रमोशन किए हैं वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल के नाम पे। तुम लोग को प्रॉब्लम दिख नहीं रही होगी, लेकिन भाई फिल्मोरा 11 से भी बेटर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है भाई, जैसे कि भी सोनी वेगस प्रो 18 एंड अडोब प्रीमियर प्रो। इनफैक्ट ये बंदा खुद अडोब प्रीमियर प्रो यूज करता है अभी के टाइम पे, लेकिन क्या ये उसके ट्यूटोरियल वीडियोस बनाएगा? जी नहीं। और हद तो तब पार हो जाती है जब ये बंदा अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है। इसने फिर से 3 वीडियोस बना के रखी हुई है जिसमें तुमको सिखाता है कि कैसे तुम अपने फोन से गेमिंग लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, और फिर से वो तीनों वीडियो स्पॉन्सर्ड है। आयरनी वाली बात तो तब हो जाती है जी जब ये बंदा आगे चल के बोलता है कि तुम मोबाइल से यूट्यूबर नहीं बन सकते हो। इस चीज से तो मैं इससे पूरा 100% अग्री करता हूँ, लेकिन जसवीर डागर तेरा ये फंडा शुरुआत से नहीं होना चाहिए था क्या? इसकी 90% ऑडियंस मोबाइल चलाने वाले बच्चे हैं, इस हिसाब से तो इसने उनकी फीलिंग्स हर्ट कर दी। तभी तो स्टेप ग्रो जैसे चैनल इसका नाम लेके ग्रो कर रहे हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई ये वीडियो तो एल्गो के ऊपर है, इसमें टेक्नो गेमर्स मनोज दे कहां से आ गए? तो मेरे भाई कहानियां थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनोज दे और एल्गो के रिलेशनशिप के बारे में। मनोज दे के एल्गो से ज्यादा व्यूज आते हैं, उसके ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उसके ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और उसको देख के भाई एल्गो की जलती है। इसीलिए एल्गो ने मनोज दे पे 3 वीडियोस निकाली है, और उन तीनों वीडियोस में वो मनोज दे को 3 बार कॉल आउट कर रहा है। ये 3 बार थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? पहले वीडियो में वो मनोज दे को फ्रॉड बुला रहा है। तो यहाँ सबसे पहले तो मनोज ने वही बताया कि अगर एक वीडियो हाई रैंक करती है तो यूट्यूब क्या मैसेज बताता है एंड यही सब। बट क्लिप के लास्ट में जो कहा ना भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। यूट्यूब इंप्रेशन ज्यादा भेजना शुरू कर देता है जब वीडियो नंबर 1, 2 या 3 पर रैंक करती है, एंड इसलिए हमें वीडियो को ऐसे टाइम पर डालना चाहिए जब वो टॉप पर रैंक करे। 2 बहुत बड़ी गलती है। यूट्यूब को घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी वीडियो नंबर 1 पर रैंक कर रही है या नंबर 10 पर। अगर ऐसा होता तो नंबर 1 वाली वीडियो हमेशा नंबर 1 पर ही रहती और नंबर 10 वाली वीडियो कभी नंबर 1 पर आ ही नहीं पाती। दूसरे वीडियो में वो मनोज ने की डार्क साइड को एक्सपोज कर रहा है। मनोज लिमिट से ज्यादा क्लिकबेट करके अपनी ऑडियंस को झूठे सपने दिखाता है, जैसे कि 1 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवाना हो, 7 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स, या उल्टे सीधे ऐप से घंटों में अर्न करवाना। तीसरी वीडियो में बोल रहा है कि लोग मनोज जी को कृपया करके कॉपी ना करें। ये कुछ टाइम पहले मनोज भाई ने एक नया थंबनेल डिजाइनर हायर करा है, इसकी वजह से तुम देख सकते हो कि थंबनेल्स पहले से काफी ज्यादा एस्थेटिकली बेटर हो गए हैं, एंड अब वो काफी अच्छे भी लगते हैं। बट भाई वो मनोज का स्टाइल है, वो उसके थंबनेल्स है, उसने उस चीज को मासी बनाया है। ऑलमोस्ट हर चैनल पर सेम तरीके के थंबनेल्स तुम्हें मिलने वाले हैं। ये सब तो चलता है भाई, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो भाई हर कोई ले सकता है, लेकिन जब भाई बात आती है टेक्नो गेमर्स की तो फिर उज्जवल ने बस लिखा GTA 5 इन मोबाइल, और थंबनेल पर गेमप्ले के साथ मोबाइल की एक फोटो लगा दी। सोचो इसकी ऑडियंस कितनी बड़ी हो जाती है। लाइक इस पर हर वो इंसान क्लिक करेगा जिस पर केवल मोबाइल और इंटरनेट है, पर वो गेम PS4 वाले खेलना चाहते हैं। चल क्लिक बेट तो नहीं किया, लेकिन जूता तो तब भी काटा ना। उसी सेम वीडियो में बंदा बोलता है कि जैसे ही गेम रिलीज होगी तभी उसका लिंक देगा। लिंक आया अब तक? जी नहीं। मनोज देखो कॉल आउट करूंगा क्योंकि वो कॉम्पिटिशन है और उसको रास्ते से हटाना है, और टेक्नो गेमर्स के बारे में अच्छा अच्छा बोलूंगा क्योंकि मुझे इसके साथ संबंध रखने हैं। चूतिया एल्गो। ये वाला सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से ये कन्फेस करना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ बोलने के लिए ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये चीज पहले ही काफी लोग कवर कर चुके हैं। सो या बेयर विद मी। इस साल जसवीर डागर ने अपना एक YouTube कोर्स लॉन्च किया है
जैसे मैं तुम लोग को बताएगा कि तुम लोग कैसे अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। मैंने उसकी वेबसाइट पे जाके देखा कोर्स का प्राइस, एंड बेसिकली 5000 में आ रहा है, 2000 में आ रहा है, एंड 4000 में आ रहा है भाई। इतनी कि मैं भाई गेम्स ही खरीद लूँ या कहीं और पैसा इन्वेस्ट ना कर लूँ, और क्यों मैं इसके कोर्स पे अपना वक्त जाया करूँ जब ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। और यही नहीं भाई, इसका कुछ समय पहले भाई लफड़ा भी हो गया था अपनी कम्युनिटी वालों के साथ कोर्स को लेकर, ठीक है। तो जब इसने पहले पहले कोर्स को रिलीज किया था तो इसकी ऑडियंस ने बोला था कि ये कोर्स थोड़ा महंगा है भाई, इसको थोड़ा सस्ता करो। एंड यू वोंट बिलीव एल्ब्रो का रिस्पॉन्स क्या था। इस बंदे ने लिटरली एकदम ब्लंटली भाई बोल दिया कि यूट्यूब पे सब पैसे कमाने आते हैं। टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म भाई। अब मेरे पास सिंस वाला स्क्रीनशॉट है नहीं जहाँ पे इसने भाई बोला था, तो जो मैं बोल रहा हूँ भाई वही तुम लोग को मानना पड़ेगा। उसके बाद भाई जो आग बबूला हुआ ना जनता इस पे भाई, ये तो एक हॉट टॉपिक बन गया था बेसिकली। लोग इस पे भाई वीडियोस बना रहे हैं, मैं इसे पहले ही कवर कर लिया भाई, तो मैं क्या बोलूँ। अभी भी ये बंदा एकदम डीट होके रखा हुआ है अपनी रिसेंट वीडियोस में, अपने कोर्स का प्रमोशन कर रहा है। टॉक अबाउट बीइंग परसिस्टेंट भाई। अब सिर्फ केवल ये बंदा ही अपना यूट्यूब कोर्स बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है, दो तीन और लोग हैं, लेकिन इस टॉपिक के बारे में ना हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे या फिर किसी और ही चैनल के ऊपर। जिस हिसाब से बंदा YouTube लेफ्ट कर रहा है ना, उस हिसाब से तो इसको YouTube क्विट ही कर देना चाहिए। क्या फायदा भाई वो काम करके जिसमें देखो मजा नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो एक दूसरा चैनल खोल ले, नया कंटेंट डाल भाई। और जिन लोगों ने इसका YouTube कोर्स खरीदा है ना भाई, लाना था तुम लोग पे। ऑलराइट, अब मुझे इस बंदे के बारे में बात करते हुए बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, लेकिन आई होप तुम लोग को वीडियो देखने में बड़ा मजा आया हो, ठीक है। अगर आया हो तो फिर लाइक कर देना, और अगर नहीं आया तो फिर दोबारा डिसलाइक कर देना, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे को एक अपडेट वीडियो पे काम करना है, छोटा सा होगा, ठीक है। तब तक तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय।